गेमिंग फोन है अपने पास इन्फिनिक्स 030, इन्फिनिक्स GT10 Pro और टेक्नो कैमन 20 Pro। तीनों में मीडियाटेक डेमेसिटी चिपसेट मिल जाएगा एंड तीनों स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा नहीं है। बैटरी कैपेसिटी तीनों स्मार्टफोन का सेम है, 5000 mAh इन्फिनिक्स 030 को पावर दिया है मीडियाटेक डेमेसिटी 8020 चिपसेट ने। GT10 Pro और कैमन 20 Pro में मिल जाएगा डेमेसिटी 8050 चिपसेट। कल ही टेक्नो कैमन 20 प्रो को एक सॉफ्टवेयर अपडेट मिला था जुलाई के सिक्योरिटी पैच के साथ। इन्फिनिक्स 030 को 2-3 दिनों पहले एक सॉफ्टवेयर अपडेट मिला था अगस्त के सिक्योरिटी पैच के साथ, बट GT10 Pro अभी भी जून के सिक्योरिटी पैच पे रन कर रहा है। इन्फिनिक्स 030 का मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट कर दिया है वाईफाई के साथ। आज मैं तीनों स्मार्टफोन में जियो 5G सिम लगाकर तीनों स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप चेक करने वाला हूँ। गाइस, तीनों एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। तीनों स्मार्टफोन को मैंने मैक्स रिफ्रेश रेट पे सेट रखा है 030 144 हर्ट्ज पे एंड बाकी दोनों 120 हर्ट्ज पे। टच सैम्पलिंग रेट तीनों स्मार्टफोन का सेम है, पीक ब्राइटनेस भी तीनों स्मार्टफोन का सेम है, बट डिस्प्ले का साइज 030 का थोड़ा सा बड़ा है। गाइस, तीनों स्मार्टफोन का बैटरी फुल है एंड तीनों स्मार्टफोन में पावर सेविंग मोड ऑन नहीं है। देख सकते हो तीनों स्मार्टफोन में जियो 5G सिम लगा है। तीनों स्मार्टफोन का ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम 50% पे सेट है। सबसे पहले हम कैमरा यूज करेंगे 4K 30fps पे 1 घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, बट उससे पहले टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। 030 का बॉडी टेम्परेचर 34 डिग्री के आसपास दिख रहा है। GT10 Pro का भी मोरोले सेम है, 35 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा एंड टेक्नो कैमन 20 Pro का भी सेम ही दिख रहा है, 33-34 डिग्री के आसपास। गाइस, तीनों स्मार्टफोन से आप 4K 30fps पे शूटिंग कर सकते हैं। 030 में आपको 60fps का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे अगर आपको फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करना है तो 30 एंड 60fps पे आप शूटिंग कर सकते हो तीनों स्मार्टफोन से। चलिए 4K 30fps पे रिकॉर्डिंग करते हैं तीनों स्मार्टफोन में 1 घंटे के लिए, देखते हैं कितना बैटरी ड्रेन होता है एंड कितना टेम्परेचर बढ़ता है, कितना हीटिंग देखने को मिलता है तीनों स्मार्टफोन में। गाइस, लास्ट अपडेट के बाद इन्फिनिक्स 030 पहले से बेटर दिख रहा है बैटरी बैकअप के मामले में, लेकिन कैमन 20 प्रो का हालत बहुत ही बुरा है। कुछ 30 मिनट में 13% बैटरी ऑलरेडी ड्रेन हो चुका है एंड गर्म भी टेक्नो कैमन 20 प्रो थोड़ा ज्यादा हो रहा है तीनों स्मार्टफोन में। गाइस, 1 घंटा होने वाला है, चले फिर से एक बार टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। इन्फिनिक्स 030 34 डिग्री के आसपास था, 42 डिग्री के आसपास दिख रहा है, यानी 8 डिग्री टेम्परेचर इसका इंक्रीज हुआ। इन्फिनिक्स GT10 Pro का भी बॉडी टेम्परेचर मोर ले सेम ही था, 34-35 डिग्री के आसपास एंड अभी 43 डिग्री मैक्सिमम दिखा, यानी 8 डिग्री टेम्परेचर इसका भी इंक्रीज हुआ। बट टेक्नो कैमन 20 Pro का तो कंपनी ने वाट लगा दिया, 48 डिग्री तक चला गया टेम्परेचर इसका 1 घंटे में, ओनली 14 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। गाइस, 1 घंटा हो गया, चलिए बैटरी भी देख लेते हैं क्या हाल है तीनों स्मार्टफोन का। 030 86% पे दिख रहा है, 14% बैटरी ड्रेन हुआ है 1 घंटे में। GT10 Pro 85 पे दिख रहा है, 15% बैटरी ड्रेन हुआ है 1 घंटे में एंड टेक्नो कैमन 20 Pro ने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, 73 पे दिख रहा है, 27% बैटरी ड्रेन किया है 1 घंटे में। गाइस, ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम 50% के आसपास रहेगा। चलिए आप YouTube पे 1 घंटा शॉर्ट्स देखते हैं। ऐसे वीडियोस को शूट करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। 2 घंटे हो चुके हैं, YouTube Shorts का 1 घंटा कंप्लीट। 030 86 पे था, 78 पे दिख रहा है, यानी 8% बैटरी ड्रेन हुआ है 1 घंटे में। इन्फिनिक्स GT10 Pro 85 पे था, 76 पे दिख रहा है, यानी 9% बैटरी ड्रेन हुआ है। गाइस, कैमन 20 Pro 73 पे था, 63 पे दिख रहा है, यानी 10% बैटरी चला गया 1 घंटे में, थोड़ा ज्यादा हुआ है दोनों से। चलिए आप 1 घंटा इंस्टा रील्स प्ले करते हैं, ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम 50% के आसपास ही रहेगा। अगर आपको ऐसे कंटेंट देखने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो 1 घंटा इंस्टा रील्स का कंप्लीट, टोटल हो गए 3 घंटे। गाइस, 3 घंटे के बाद 030 69% पे दिख रहा है, 9% बैटरी ड्रेन हुआ है 1 घंटा इंस्टा रील्स प्ले करने पे। GT10 Pro में भी 9% बैटरी ड्रेन हुआ है 67% पे दिख रहा है एंड टेक्नो कैमन 20 Pro में 10% बैटरी ड्रेन हुआ है 53 पे दिख रहा है। YouTube Shorts की तरह रील्स में भी तीनों स्मार्टफोन ने मोर ऑर लेस सेम ही बैटरी कंज्यूम किया, लेकिन थोड़ा ज्यादा किया टेक्नो कैमन 20 Pro ने अगेन। अब YouTube वीडियो 2 घंटे के लिए, ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम अगेन 50% के आसपास ही रहेगा। तीनों ही स्मार्टफोन में आप YouTube पे 4K HDR कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन अभी हम तीनों स्मार्टफोन में फुल HDR वीडियो प्ले करेंगे 2 घंटे के लिए। कर्व डिस्प्ले की वजह से 030 आपको थोड़ा बेटर लग सकता है, लेकिन तीनों स्मार्टफोन में अगर कलर्स की बात करें, शार्पनेस की बात करें, तो तीनों स्मार्टफोन मोर ऑर लेस सेम ही हैं ब्राइटनेस में भी एंड आउटडोर में भी। तीनों स्मार्टफोन आपको एकदम डायरेक्ट सनलाइट के नीचे मोर ऑर लेस सेम ही लगेगा एक्सपीरियंस में। तो गाइस, 2 घंटा YouTube का कंप्लीट हो चुका, टोटल 5 घंटे हमने तीनों स्मार्टफोन को यूज कर लिया। चले देखते हैं कितना बैटरी बचा है। इन्फिनिक्स 030 48% पे दिख रहा है, 21% बैटरी ड्रेन हुआ है 2 घंटे में। GT10 Pro 45 पे दिख रहा है, 22% बैटरी ड्रेन हुआ है एंड टेक्नो कैमन 20 Pro 30% पे दिख रहा है, यानी 23% बैटरी ड्रेन हो चुका है 2 घंटे में। तो गाइस, बिगर डिस्प्ले वाला 144 हर्ट्ज वाला 030 ने सबसे कम बैटरी कंज्यूम किया और सबसे ज्यादा किया टेक्नो कैमन 20 Pro ने अगेन। अब गाइस, गेमिंग 1 घंटा BGMI खेलेंगे स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे। वैसे GT10 तो ओनली स्मार्टफोन है जिसमें आपको 90fps का ऑप्शन भी मिल जाएगा।
तो गाइस एक घंटा 5G नेटवर्क के साथ गेमिंग करने के बाद चले देखते हैं कितना बैटरी ड्रेन हुआ है। टोटल 6 घंटा हो चुका है। तो गाइस स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे 5G नेटवर्क के साथ एक घंटे में 030 ने 21% बैटरी ड्रेन किया है। GT10 Pro 23% पे दिख रहा है, 22% बैटरी ड्रेन किया है। टेक्नो कैमन 20 प्रो 5% पे दिख रहा है, 25% बैटरी ड्रेन हुआ है एक घंटे में। अगेन सबसे ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया है। दोनों इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में आप लगभग 5 घंटे गेमिंग कर सकते हो जियो 5G नेटवर्क के साथ, बट कैमन 20 प्रो में 4 घंटे। बट सबसे बड़ा डिफरेंस दिखा कैमरा यूज करने पे, बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम किया कैमन 20 प्रो ने। जियो का सिम यूज कर रहा हूं, तो चलो जियो सिनेमा पे एक घंटा मूवी देख लेते हैं। मूवी का नाम है ब्लाइंड एंड एक्चुअली मुझे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो टेक्नो कैमन 20 प्रो 6 घंटे 18 मिनट में डेड, इनका 5% 18 मिनट चला जियो सिनेमा पे मूवी। कई दोनों इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन ने 7 घंटा कंप्लीट कर लिया एंड इस घंटे 13% बैटरी ड्रेन हुआ 030 में, 14 पे दिख रहा है, 12 पे दिख रहा है GT10 Pro, यानी 11% बैटरी ड्रेन हुआ है एक घंटे में। अब चलिए टास्क को रिपीट करते हैं, कैमरा यूज करते हैं, फिर से 4K 30fps शूटिंग करेंगे हम 15 मिनट के लिए। गाइस 15 मिनट कंप्लीट, टोटल 7 घंटे 15 मिनट हो चुका है। 030 ने इस 15 मिनट में 5% बैटरी ड्रेन किया है और GT10 Pro ने 6। अब गाइस हम YouTube शॉर्ट्स प्ले करेंगे फिर से सेम सेटिंग्स पे 30 मिनट के लिए। ओके गाइस टोटल 7 घंटे 45 मिनट हो चुका है YouTube शॉर्ट्स का, 30 मिनट कंप्लीट। 030 5% पे दिख रहा है, 2 पे दिख रहा है GT10 Pro। नाउ इंस्टा रील्स फिर से 30 मिनट के लिए सेम सेटिंग्स पे। GT10 Pro का 2% फटाक से 4 मिनट में खत्म, 7 घंटे 49 मिनट में डेड। बट सेम बैटरी कैपेसिटी, सेम डिस्प्ले, सेम चिपसेट वाले टेक्नो कैमन 20 प्रो से 1.5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम एक्स्ट्रा दिया GT10 Pro ने। एंड न्यू इन्फिनिक्स 030 की अगर बात करें तो 8 घंटे 5 मिनट चला 030, इनका 5% 20 मिनट चला इंस्टा रील्स। 144Hz 6.78 इंचेस का बिग डिस्प्ले के साथ 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इन्फिनिक्स 030 बैटरी बैकअप के मामले में तीनों में सबसे बेटर दिख रहा है। GT10 Pro की अगर बात करें तो 7.5 घंटे से ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम दिया GT10 Pro ने आज। बहुत इंप्रेसिव तो नहीं, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि डिसेंट बैटरी बैकअप मिला GT10 Pro से। बट लास्ट अपडेट के बाद टेक्नो कैमन 20 Pro बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है, ओनली 6 घंटे 18 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम। एक और बात नोट करने वाली है कि आज हमने ओनली 1 घंटा गेमिंग किया, अगर 2 घंटे करता तो बैटरी बैकअप तीनों स्मार्टफोन में और भी कम मिलता। 030 में शायद 7 घंटे, GT10 Pro में 6.5 घंटे एंड टेक्नो कैमन 20 Pro में शायद 5 घंटे। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए iPhone Unboxed।